BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। सांसद राजेश दिवाकर ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि तालाब चौराहे पर बनने वाला ओवरब्रिज के लिए वो पिछले 4 साल से कार्यरत थे। साथ ही साथ 2017 में ही इस पुल की स्वीकृति मिल चुकी थी, वहीं बजट भी पास हो चुका। आइए मुलाकात करते हैं सांसद राजेश दिवाकर से। मेरे 4 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धि के बारे में मैं हाथों की जमकर वासियों को बताना चाहता था कि अपने संसदीय कार्यकाल में मेरे द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर दिए गए, चाहे वो हाथरस से जलेसर होते हुए फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है, चाहे मथुरा से लेकर बरेली वाला है, आगरा अलीगढ़ वाला मार्ग जो मेरे कार्यकाल में हुआ, कनेक्टिविटी मेरे घर द्वारा कराई गई। ऐसे ही हाथरस के लोग परेशान रहते थे, किसी को व्यवसाय करना है, किसी को नौकरी पर जानी है विदेशों में, उसको दृष्टिगत देखते हुए मेरे द्वारा यहाँ पर 2 दिन पासपोर्ट ऑफिस का कैंप लगाया गया, जिससे मेरे हाथों से जनपद वासियों को परेशानी ना हो। ये काम ऐसे काम है, पासपोर्ट ऑफिस में जो बता रहा हूँ कि लगभग 300 जिले में तुलना करेंगे तो कोई भी सांसद इसको लेकर नहीं आ पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मैंने अपने मन से जो कर सकता था करने का प्रयास किया। तीसरा मेरा यह था कि जो भी हमारे यहाँ पर मूक विधर और विकलांग लोग थे, उनके लिए 3 विधानसभाओं में अलग अलग मैंने कैंपिंग लगाए, रजिस्ट्रेशन कराए। जितने रजिस्ट्रेशन हुए तो उन सब लोगों को, चाहे सर्वण यंत्र हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे ट्राईसाखिल हो, वो सब आप लोगों के संज्ञान में कवरेज की गई थी। मैंने बहुत सारे काम कराए। ये भी 200 जिले में अगर तुलना करेंगे तो कोई भी सांसद नहीं करा पाया है। इसके साथ साथ ओवरब्रिज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि ओवरब्रिज मैंने करा दिया, लेकिन केंद्र का मैटर रहता है। मैंने वर्ष 2016 के बजट सत्र में वो आप लोगों को प्रतियां दी थी कि मैं 12 फरवरी 2015 को लोकसभा में बोला था, और जो बोला था उसका वीडियो सब लोगों के आपके पास में, प्रिंट भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराया था। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश में हमारी सरकार आई तो आधा पैसा केंद्र का था, आधा पैसा हमारे राज्य सरकार को देना था। प्रदेश सरकार के बनने के बाद में सभी लोगों का मैं इसमें श्रेय देना चाहूँगा, सभी दलों को भी श्रेय देना चाहूँगा कि किसी ने कहीं तो पत्राचार किया होगा। विभिन्न संगठनों के लोगों को भी मैं इसमें धन्यवाद और श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने भी आंदोलन किए थे, 1-2 आंदोलन में मुझे भी बुलाया था। वो सभी बधाई के पात्र हैं, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे चेयरमैन हों या सांसद हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, अन्य सभी लोग। तो एक हाथरस की मांग थी, हाथरस की मांग हम सब लोगों ने मिलकर पूरी। मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके साथ साथ अब फुट ओवरब्रिज की जरूरत है, तो हम इस चक्कर में ना पड़ें श्रेय किसने कराया और कौन कराने वाला है। जनता सब जानती है ईमानदारी से कि कब कब के लेटर हैं। सेतु निगम द्वारा भी मैं आपको एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहा हूँ, तो 7 जनवरी 2017 में उनके द्वारा भी स्वीकृत से संबंधित पत्र मेरे पास है। तो इसमें बस यही चीज़ आप लोगों के संज्ञान में डालनी थी कि हाथरस के विकास के लिए हम मिलकर कैसे कर सकते हैं, और बड़ी उपलब्धि हुई है। 20-25 साल से हम लोगों की मांग थी ये ओवरब्रिज का। आप सभी इसमें मीडिया वालों को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इसे प्रमुखता से उठाया, बार बार छापा, बार बार हम लोगों के ऊपर भी एक मानसिक दबाव बनाया कि जनप्रतिनिधि इसके लिए सचेत रहे, इसका हमको यही।